नमस्कार साथियों, ये देख रहे हैं आप उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून। और आज है बेरोजगार संगठन की तरफ से सरकार को और मुख्यमंत्री धामी जी के अधिकारियों को विज्ञप्ति दी गई थी जो अभी तक जारी नहीं हुई है। इसीलिए यहाँ पे उत्तराखंड बेरोजगार संगठन के कुछ लोग पहुंचे हुए हैं घेराबंदी तालाबंदी करने के लिए। आप देख सकते हैं लाइव UK SSSC, जो 2 मार्च को बेरोजगार संगठन ने कहा था कि हम इसका घेराव करेंगे, और आज वो दिन आ गया है। बेरोजगार संगठन के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। जो जो लोग घर से इन तस्वीरों को देख रहे हैं वो लाइक शेयर जरूर करें। ये देखिए बेरोजगार संगठन के लोग यहाँ पे एकत्रित हो चुके हैं, देख सकते हैं आप किस चीज के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए? एलटी वैकेंसी के लिए। 2 तारीख को जबकि धामी जी के अधिकारियों ने आपसे वादा किया था कि हम जल्दी इस चीज को जारी करेंगे, जो अभी तक जारी नहीं हुआ है। सरकार जो है और कामों में विलुप्त हो जी। ये देखिए, आप कुछ बोलना चाहेंगे? बोलना तो हम नहीं है, हम ताला लगाने वाले थे यहाँ पे। देखिए, ताला लगाने वाले थे, आज लगाएंगे हम थोड़ा सा। 5 मिनट सरकार के झूठे वादे हम बहुत देख लिया आज तक, ठीक है। एक यहाँ पे एग्जाम कंट्रोलर ने झूठ बोला है, सरकार भी और आयोग भी सब मिले हैं। देखिए, ये बेरोजगार संगठन के लिए युवा है, आपके उत्तराखंड के युवा, पहाड़ी युवा है सारे। ये देखिए, ये देखिए सारे युवा है यहाँ पे। 2 तारीख को इनसे वादा हुआ था कि जल्दी विज्ञप्ति जारी करेंगे, जो अभी तक जारी नहीं हुई है, जो अभी तक जारी नहीं किया गया है। और ये आज UK SSSC को तालाबंदी करने जा रहे हैं, घेराव करने जा रहे हैं। UK SSSC को बंद किया जा रहा है, क्या फायदा ऐसे UK SSSC का, जो युवाओं को नौकरी नहीं दे सकता है ये, इसको बंद कर देना चाहिए सरकार को। क्या फायदा ऐसे UK SSSC को, इसको सरकार को बंद कर देना चाहिए। ये देखिए, धामी जी के अधिकारी ने 2 तारीख को वादा किया था कि हम विज्ञप्ति जारी करेंगे, जो अभी तक जारी नहीं हुआ है। और आज बेरोजगार संगठन के युवा यहाँ पे पहुंच चुके हैं, सारे बेरोजगार संगठन के युवा हैं, जो अपनी मांगों के लिए पहुंचे हैं, तालाबंदी करने जा रहे हैं, पर पुलिस ने पहले ही बैरिकेडिंग करके इनको रोक दिया है। जो जो लोग घर से इसको देख रहे उनके दिलों में आग लगनी चाहिए। लाइक करें, शेयर करें, ये उत्तराखंड आपका है, ये किसी और का उत्तराखंड नहीं है, आपका उत्तराखंड है। बेरोजगार संगठन के एक ही मसीहा बॉबी पवार, जो धामी जी की कुर्सी को हिलाने का ये देखिए, बेरोजगार संगठन के लोग और सारे युवा हैं यहाँ पे, आपके उत्तराखंड के युवा हैं, इनका समर्थन करते रहिए, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अरे न्यूज वाला तो है, एक लड़का तो उसको ज़्यादा दिन नजर आपका भी व्यूअर्स आ जाएंगे। आजा भाई, आजा, इकट्ठे हो जाओ। मुद्दा ये है, पकड़ निकाल ले। जो लोग घर से देख रहे हैं वो शेयर जरूर करें इन तस्वीरों को, इस वीडियो को। UK SSSC आज इसका घेराव होने जा रहा है बेरोजगार संगठन के द्वारा, बॉबी पवार जी के द्वारा। ये देखिए, और जो जो लोग इन तस्वीरों को देख रहे हैं वो शेयर करें, लाइक करें। अगर आप उत्तराखंड के और युवाओं के साथ हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और ये वीडियो जानी चाहिए धामी जी के पास। उत्तराखंड
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, एसटी का विज्ञापन जारी करो, आज करो अभी करो, आज करो अभी करो, अभी करो अभी करो। लेके जाओ एक एक लड़का वीडियो बनाओगे। ये देखिए यूके ट्रिपल सी और पुलिस ने पहले ही बैरिकेडिंग कर दी है। इतना डर है सरकार को इन युवाओं का, बेरोजगार संगठन का। ये देखिए तालाबंदी करने जा रहे हैं, बेरोजगार संगठन के लोग तालाबंदी घेराव करने जा रहे हैं और उत्तरा यूके ट्रिपल सी को बंद किया जा रहा है, यूके ट्रिपल सी को बंद किया जा रहा है। ये देखिए, इनके बीच जो जो लोग घर से देख रहे हैं तस्वीरों को, बहुत बहस देखिए झड़प हो चुकी है बेरोजगार संगठन और पुलिस के बीच, पुलिस के सामने। ये देखिए युवाओं को कैसे, जो जो लोग इन तस्वीरों को देख रहे हैं वो लाइक करें, शेयर करें, जरूर करें। अरे यार क्या आया भाई, क्या हो गया तुम्हें? ये देखियो पुलिस और युवाओं के बीच झड़प हो चुकी है बेरोजगार संगठन, जो जो लोग इनको देख रहे हैं वो शेयर करें इन तस्वीरों को, कैसे उनको देखिए। यूके ट्रिपल एस सी मुर्दाबाद। ये देखिए सीधी झड़प, उनको बंद किया जा रहा है और सीधा यार अंदर। ये देखिए धामी सरकार की गुंडागर्दी, इनको सीधा बंद किया जा रहा है, जो इनके खिलाफ आवाज उठाएगा उनको ऐसे ही बंद किया जाएगा। ये देखिए एलटी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए जो तैयारी कर, देखिए युवा की क्या हालत है। ये देखिए ये देखिए सीधी तस्वीर है, कैसे गुंडागर्दी की जा रही है युवाओं के साथ। ये पढ़ने वाले युवा है कोई, ये पढ़ने वाले सारे युवा है जिनको ऐसे घसीटा जा रहा है और बंद किया जा रहा है गाड़ियों में। ये कोई अपराधी नहीं है, ये आपके उत्तराखंड पहाड़ी युवा है जो चाहते थे एलटी विज्ञप्ति जारी हो, इनकी भर्तियां जारी हो, पर सरकार इस पर सो रही है। और जो जो लोग इस घर इन तस्वीरों को घर से देख रहे हैं वो लाइक शेयर इसको जरूर करें। ये देखिए इनको कैसे बंद किया जा रहा है। इनको कैसे घसीटा जा रहा है और बंद किया जा रहा है यूके ट्रिपल एस सी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन, कैसे इनको घसीटा जा रहा है, यहाँ से उठाया जा रहा है। कैसे इनको उठा के यहाँ से भगाया जा रहा है। कैसे इनको घसीटा जा रहा है, देखिए।
क्या मेरी स्कूटी देखिए इन लोगों को बंद करके ले जाया गया। ये कोई अपराधी है क्या? ये अपनी आवाज की हक भी नहीं उठा पा रहे हैं यहाँ पे युवा उत्तराखंड में। क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? आप देख सकते हैं ये हमारा उत्तराखंड आयोग है और यहाँ पे धांधलियाँ चलती है। आप देख सकते हैं उत्तराखंड आयोग के बाहर जब इतनी भीड़ हो सकती है तो आप लगा सकते हैं उत्तराखंड सरकार कितना अन्याय कर रहा होगा युवाओं के साथ। ये देखिए सारे युवा हैं, कोई बाहर से बुलाया गया या पेट्रोल दे के एक लीटर में खरीदा नहीं गया जैसे बाकी राजनीतिक पार्टियां करती है। ये सारे आपके पहाड़ के युवा है। धामी सरकार चोर है, चोर है, चोर है। धामी सरकार चोर है, चोर है, चोर है। उत्तराखंड सरकार चोर है, चोर है, चोर है। जयस मर्तुलिया चोर है, चोर है, चोर है। जयस मर्तुलिया चोर है, चोर है, चोर है। उत्तराखंड नीति आयोग चोर है, चोर है, चोर है। एक्टिव विज्ञापन जारी करो, जारी करो, जारी करो। तुरंत जारी करो, जारी करो। जो जो लोग इन तस्वीरों को घर से देख रहे हैं वो शेयर करें। ये इनकी लड़ाई नहीं, आपकी लड़ाई भी है, आपके बच्चों की लड़ाई है। ये देखिए ये लड़कियां मजबूर है यहाँ पे बैठने को। ये इन युवाओं की लड़ाई नहीं, आपके घर के बच्चों की, युवाओं की लड़ाई है। जिन जिन के घर में बच्चे हैं, युवा है और उनके बच्चों का फ्यूचर है, तो इन चीज को लाइक करें और शेयर करें। उत्तराखंड के 60,000 पद जारी करो, जारी करो, जारी करो। उत्तराखंड के 60,000 पद जारी करो, जारी करो, जारी करो। ये देखिए पुलिस ने पूरी बैरिकेडिंग कर दी है यहाँ पे। इनको धरना प्रदर्शन भी नहीं करने किया जा रहा है, इनको आवाज उठाने तक नहीं दिया जा रहा है। क्या धामी बेरोजगार संगठन से इतना डरता है या इन युवाओं से डरता है? सारे युवा है और ये के ट्रिपल एसी का दफ्तर है। और इन तस्वीरों को, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जो जो लोग देख रहे हैं। 2 तारीख को धामी जी के अधिकारियों ने इनसे वादा किया था कि जल्दी हम विज्ञप्ति जारी करेंगे 2 दिन में, जो अभी तक जारी नहीं हुई है। और इसलिए धरना प्रदर्शन करने को, तालाबंदी करने को, यूके ट्रिपल एससी के दफ्तर को बंद करने के लिए आए हैं बेरोजगार संगठन के लोग और जो जो तैयारी कर रहे हैं लोग युवा। लगता है धामी जी बेरोजगार संगठन से डरने लग गए हैं, इसलिए देखिए इतनी पुलिस को यहाँ पे खड़ा कर दिया है। इतनी पुलिस यहाँ पे खड़ी हो रखी है, लगता है धामी जी को अंदर अंदर डर लग रहा है इन युवाओं से और बेरोजगार संगठन से और बॉबी पवार जी से। कुछ लोगों को, कुछ युवाओं को अभी जबरदस्ती उनको गाड़ियों में बिठा के थाने ले जाया गया। क्या बोलना चाहिए? अभी तो हमारे कुछ साथियों को भी लेके गए, लेकिन उससे 10 गुना साथी अभी यहाँ पर उपस्थित होंगे। मैं ये
इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जितने लोग हमारे लेके गए उससे 10 गुना लोग अभी एक घंटे के अंदर इस लोग से ओआईओ की तालाबंदी करेगा। ये मैं एक अधिनियम से चाहे चयन आयोग की जिस जो इसमें चोर बैठे हुए हैं उनको कहना चाहता हूँ कि आप शासन प्रशासन के दम पे जो यहाँ पर धांधलियां कर रहे हैं इसका आपको एक ना एक दिन ये ऊपर वाला तो कम से कम देख ही रहा है, ये तो सामने है। सरकार के गद्दारों को झूठे मारो सालों को, सरकार के गद्दारों को झूठे मारो सालों को, सरकार के गद्दारों को झूठे मारो सालों को। हमी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एनटी विज्ञापन जारी करो, जारी करो, जारी करो। एनटी विज्ञापन जारी करो, जारी करो, जारी करो। नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। ये सारे उत्तराखंड के युवा हैं, पहाड़ी युवा हैं, जो विज्ञप्ति का इंतजार कर रहे हैं कब आएगी नौकरियां, जो तैयारी कर रहे हैं काफी टाइम से, जिनकी विज्ञप्ति अब तक जारी नहीं हुई है। क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे एलटी की भर्ती निकालो सर, ये उत्तराखंड की सरकार बहुत चोर हो रही है और धान्य पे धान्य कहते जा रहे हैं। आप सर, हम लोग यहाँ पे आए हैं, जो एलटी की भर्ती नहीं आई है, मतलब लास्ट 2020 आई थी, तो मतलब उसके बाद अभी कोई ऐसा नहीं निकाला गया है, मतलब नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया है। इन्होंने टैगलाइन दिया है कि मतलब 10 मार्च को ना एग्जाम करवाया जाएगा, लेकिन 10 मार्च आज 6 मार्च है, तो अभी तक कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से मतलब हम लोग जो मतलब जो एस्पिरेंट्स हैं वो क्या बोलते हैं फॉर्म को रिगार्डिंग कोई भी मतलब भर सके, या मतलब हम अपना जो आगे फ्यूचर है उसको वो कर सके, तो वही मतलब उसी के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ आए कि जो जितनी भी वैकेंसीज आनी है जो अभी तक नहीं निकाली गई है तो वो मतलब जल्द से जल्द निकाली जाए, क्योंकि इसके बाद आचार संहिता आ जाएगी, उसके बाद हमारा मतलब ये 2024 पूरा ईयर वो हो जाएगा, जिसकी वजह से हो रही है जिनकी मतलब बहुत है, तो हम यही चाहते हैं कि हमारा नॉन वायलेंस के थ्रू हमारे मांगे ऐसा बच्चों को कोई ऐसा नहीं है कि मतलब वो फोर्सफुली को करवाना चाहते हैं, लेकिन इन लोगों को मजबूर कर दिया गया है हम लोगों को फोर्सफुली यहाँ पे बैठने के लिए, तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि वैकेंसी सारी निकाली जाए, और क्या बोलते हैं जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे आए हैं सब लोग अपनी अपनी उम्मीदों के साथ आए हैं, वो सारी चीजें इम्प्लीमेंट हो रही है, डिपार्टमेंट से यही हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और हमारे कुछ बच्चे आए थे उनको उन्होंने मतलब चले गए हैं, आप लोगों को शांति से प्रोटेक्ट वो भी नहीं करने दे रहे हैं, हमें स्ट्राइक भी नहीं करने दे रहे हैं, कोर्ट भी हम लोगों को ताकि हमारी आवाज वहाँ तक जाए ना, डिपार्टमेंट तक आवाज को दबाया जा रहा है, यस सप्रेस किया जा रहा है, तो हम लोग सप्रेस नहीं चाहते हैं, डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि क्योंकि क्या होता है कि आचार संहिता लग जाएगी फिर लंबा खींच जाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी एज पूरी हो जाएगी, और जब एज पूरी हो जाएगी तो उनके साथ उनकी फैमिलीज भी होती है, जो युवा कई साल से तैयारी कर रहा है यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम्स की, हाँ। और अभी तक विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है, जारी नहीं करी गई है, अब आचार संहिता लगने वाली है, आचार संहिता लग जाएगी, तो आचार संहिता ये कि इलेक्शन आ जाएंगे जून जुलाई, फिर हमारा नॉर्मल इलेक्शन पंचायत के इलेक्शन होंगे, तो मतलब पूरा 2024 पूरा निकल जाएगा, जिसकी वजह से 2025 में भी निकालते नहीं निकालते डिपेंड करेगा, तो बस हमारी यही रिक्वेस्ट है। ये देखिए, इन युवाओं को अपनी आवाज तक उठाने नहीं दिया जा रहा है, उसके एक पार्टी तो दो वर्ष के बाद पेपर हो गया 18 और 20 में, ठीक है, उसी केवल झूठे आंदोलन दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्या बोलना चाहेंगे सर? देखिए, हम यहाँ पर विज्ञापनों के संबंध में आ रखे हैं, हमारा जो ये तालाबंदी का कार्यक्रम था, हमारे कुछ साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस के द्वारा, और जो है हमको झूठे आश्वासन लगातार दिए जा रहे हैं एलटी भर्ती के संबंध में, अभी जो है
दो मार्च को हमारा विधान ये मुख्यमंत्री आवास पोस्ट था उसमें हमको दो दिन का आश्वासन मिला था, सोमवार और मंगलवार दो दिन में एलटी का विज्ञापन जारी किया जाएगा, लेकिन उस पर कोई अमल अभी तक आयोग के द्वारा नहीं किया गया है। इस संबंध में हम लोग आज यहाँ पर आए हैं कि आज जब तक विज्ञापन जारी नहीं होता है तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। हम यहाँ पर बहुत छलावा हो रखा हमारे साथ लगातार, आज पांचवी बार हम खुद आयोग में आए हैं और हमें झूठे आश्वासन के अलावा और कुछ भी हाथ नहीं लगा है। हमको केवल यहाँ से वादे किए जाते हैं और उन वादों पे कोई भी अमल आयोग के द्वारा या सरकार के द्वारा नहीं किया जाता है। कितने साल से तैयारी कर रहे थे सर? हमें दो तीन साल तैयारी करते करते हो गया है। हम दो साल से सुन रहे हैं भर्ती आ रही है लेकिन अभी तक कोई भर्ती नहीं आई है, ना ही पुलिस की मीटिंग निकाल रहे हैं, आयोग में कुछ भी नहीं हो रहा है और हम लोगों को डेली यहाँ से झूठे वादे किए जा रहे हैं, झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं। हम पांच बार यहाँ पर आ चुके हैं। कहाँ से आए? हम तो सर टिहरी से हैं। टिहरी से जी, हम यहाँ पर कई बार आ चुके हैं, आयोग के अध्यक्ष से मिले। आयोग के अध्यक्ष ये क्या करते हैं सर, ये नोटिफिकेशन जब कैलेंडर जारी करते हैं, कैलेंडर में उन्होंने एलटी विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 6 नंबर लिखी हुई है। हम लोग अपने तैयारी कर रहे हैं, जिस भी स्थिति में कर रहे हैं। मैं खुद आपको बता रहा हूँ, मैं एक अभ्यर्थी हूँ एलटी का और इससे पहले मैं विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में पढ़ाता था। 6 नंबर को विज्ञापन प्रकाशन की तिथि जारी होनी थी, मैंने सर 1 नंबर को स्कूल छोड़ा है, इसलिए छोड़ा है कि तैयारी करूंगा, अपने एलटी की तैयारी करूंगा 3-4 महीने, क्योंकि मार्च में उन्होंने पेपर रखा हुआ है, 10 मार्च को पेपर था, लेकिन इन्होंने कोई भी विज्ञापन जारी नहीं किया। 6 नंबर के बाद हम 12 नंबर को आए, हमको बोला गया कि नवंबर बीच में 20-22 तारीख के बीच में विज्ञापन जारी किया जाएगा। हम फिर 26 नवंबर को आते हैं, फिर कहते हैं 10 दिसंबर को विज्ञापन जारी होगा। दिसंबर भी गया, जनवरी भी गया, फरवरी भी गया और इनका पेपर की डेट रखी हुई थी 10 मार्च को। अब बताइए सर, आज 5-6 तारीख हो चुकी है, आज तक विज्ञापन जारी नहीं हो पाया है, इसलिए सब युवाओं में आक्रोश है और आज तक विज्ञापन जारी नहीं होता है, हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। जी, ये देख रहे हैं आप, सारे युवा हैं अपने उत्तराखंड के और पहाड़ी युवा हैं, दुर्गम क्षेत्रों से आए हुए हैं और जो लोग इन तस्वीरों को देख रहे हैं वो शेयर जरूर करें, लाइक करें और इस चैनल को फॉलो करें। इनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है,